को पटना से बड़ी खबर बता दें, जहां स्कूल टाइमिंग पर और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं केके पाठक। सुबह 5:45 तक शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा। मुंगेर समेत कई जिलों के डीओ ने ये पत्र जारी करके आदेश दे दिया है। स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को अपनी सेल्फी भेजनी होगी। नोट कैम से एचएम ग्रुप में 6:05 तक सेल्फी भेजनी होगी। और वहीं अब छुट्टी के बाद भी, यानी कि 1:30 के बाद की सेल्फी भी मान्य होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो एचएम समेत सभी शिक्षक अनुपस्थित माने जाएंगे और सभी की वेतन कटौती का आदेश भी दिया जाएगा। केके पाठक के वीसी में दिए आदेश के बाद एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। और आपको बता दें कि इसके पहले स्कूलों में गर्मी की छुट्टी पर राजभवन हरकत में आया था। गर्मी की छुट्टी बढ़ाने के लिए पत्र लिखा, राज्यपाल के प्रधान सचिव ने पत्र लिखा था, सीधे बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। भीषण गर्मी को देखते हुए ये पहल की गई। 1 जून तक छुट्टी बढ़ाने का अनुरोध किया गया। 15 मई को, बता दें आपको, गर्मी की छुट्टी खत्म हो चुकी और कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए गर्मी छुट्टी की अवधि बढ़ाएं तो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ने की सूचना मिल रही। और बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की तरफ से राज्यपाल को मिली सूचना, स्कूल की टाइमिंग की वजह से शिक्षकों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। देखिए, राज्यपाल का सरकार से छुट्टी पर अनुरोध, ये पत्र की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने पत्र लिखा था और ये पत्र भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गर्मी की छुट्टी बढ़ाने के लिए ये पत्र लिखा गया था। हालांकि 15 मई को ही छुट्टी जो है गर्मी की वो खत्म हो चुकी थी, तो ये अवधि और बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया। बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ने की सूचना मिल रही। और छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, हिंसा मामले में नगर थाने में FIR दर्ज कर दी गई है। 12 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ FIR हुआ है। मृतक चंदन के पिता ने FIR दर्ज करवाई है। नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप बता दें कि चुनावी रंजिश में कल ही फायरिंग हुई थी जिसमें चंदन की मौत हो गई थी। अब इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, कल चुनावी संघर्ष के दौरान चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम चंदन है उसकी मौत हो गई थी और 2 लोग इसमें घायल हो गए थे जिन्हें पटना PMCH में भर्ती कराया गया था। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव नजर आ रहा है और प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ कई लोगों पर FIR दर्ज किया गया। और छपरा से इस बीच एक बड़ी खबर, रोहिणी आचार्य ने FIR दर्ज कराई। बूथ संख्या 300